मेरे चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुमामी। डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास। दोस्तों, मैंने एक ये जो है क्लास 11th की केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की है अपनी प्लेलिस्ट इस यूट्यूब चैनल पे। सो इसमें हम जो है इम्पोर्टेंट जो बोर्ड क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप 90+ मार्क्स लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि आपको मेरी सारी जो आने वाली सीरीज़ में वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिल सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मैंने सारी, आज लेक्चर नंबर 6 है हमारा, मैंने प्रीवियस सारी वीडियोज़ डाल दी हैं आइसोटोप्स पे भी। ठीक है, मोल पर भी मैंने डाल दिए वीडियो और जो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स जो हमने जो बोर्ड में इंपॉर्टेंस एमसीक्यू से वो मैंने पीछे शेयर कर दी हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट में लाजमी देखें क्योंकि आप अगर अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो। अच्छा, आज हमारा टॉपिक जो है इसमें हम न्यूमेरिकल्स हम करेंगे डिस्कस, एग्जांपल नंबर 6 और 7, क्योंकि इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो न्यूमेरिकल है। सो प्लीज़ इसमें जो आप हैं इसमें अपना कंसिड्रेशन करें। ठीक है, तो मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एग्जांपल नंबर 6 है हमारी। हमने इसमें, अब अगर आप ये पिछली वीडियोस मेरी सुनेंगे मोल वाली तो इसको फिर आपको समझ आएगी एग्जांपल। अगर वो नहीं आपने सुनी तो पहले आज जाके वो आप सुन लें फिर आप यहाँ पे आएँ। तो एग्जांपल नंबर 6 है, हमने ग्राम एटम यानी हमने मोल्स फाइंड करना है 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम में और 0.1 केजी ऑफ सिलिकॉन में कि हमारे पास इसमें मोल कितने हैं। सो इसमें सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम्स या एटम ऑफ एन ए या मोल का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। बेसिक क्या होता है वो, मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसमें दो चीज़ें हमें चाहिए, एक मास चाहिए एक एटॉमिक मास चाहिए। मास ऑफ एन ए हमें बता दें 0.1 ग्राम। एटॉमिक, अभी पार्ट ए सोल्व कर रहे हैं पहले हम। और एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हमारे पास कितना होता है हमें पता होना चाहिए, 23 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, अब फार्मूला हमने अप्लाई किया, नंबर ऑफ ग्राम्स और एटॉमिक एटम्स ऑफ एन ए इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम ओवर एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। सो सिर्फ पार्ट टू में था कि 0.1 केजी ऑफ सिलिकॉन हमारे पास है तो उसका हमने मोल फाइंड करने हैं, ग्राम एटम फाइंड करने हैं। उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास मास ऑफ सिलिकॉन 0.1 केजी दिया हुआ है, इसे हम ग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि हमारे यूनिट जो है ऐसे ही होने चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास होने चाहिए। एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन हमारे पास हमें पता होना चाहिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हमने याद करना है 28.086 ग्राम पर मोल होता है। अब आगे हम क्या करेंगे, फार्मूले में हम पुट करेंगे नंबर ऑफ ग्राम्स एटम ऑफ एस आई मास ऑफ सिलिकॉन ओवर एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन। हमें मास ऑफ सिलिकॉन 100 ग्राम, हमने पहले 0.1 केजी को चेंज किया ग्राम में, 100 ग्राम आ गया और नीचे जो हमारा एटॉमिक मास आएगा और हमें याद पर चल गया नंबर ऑफ मोल्स हमारे एस आई के कितने 3.56 हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास ऑफ 10-3 मोल्स ऑफ मतलब 0.001 mg अब आपको यहाँ पे सारा। तो अब आगे हमने क्या किया है,
फार्मूला हमने लगाया नंबर ऑफ ग्राम्स, फार्मूला ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस ओवर फार्मूला मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस। अब हमने मैस फाइंड करना है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई फार्मूला मैस। तो यहाँ मोल्स कितने थे 10^-3 और हमारे पास फार्मूला मैस हमने निकाला था पीछे 120 निकाला था, 120 निकाला है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की है और हमारे पास 0.1 ग्राम आ गया। मतलब आपको कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, कभी आपको मैस पूछ सकता है, कभी मोल्स पूछ सकता है, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने मोल का कॉन्सेप्ट भी पिछले लेक्चर में समझा दिया और ये जो मोल, अब यही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और इन्हीं में से न्यूमेरिकल, इन्हीं में से न्यूमेरिकल आएगा, इन्हीं में से आपका जो है MCQs आएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर आपने मेरी अगली आने वाली वीडियोस देखनी है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़े।